नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सीरीज़ के बारे में, जो कि प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में आए हुए हैं और जे 1997 से लेकर 2019 तक के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हैं। तो आज की इस वीडियो में हम एक एक करके हर एक क्वेश्चन को देखेंगे। तो जो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन है ए पर्सन विद ए लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन। कोई भी पर्सन जिसको ऑक्यूपेशन का लॉन्ग एक्सपीरियंस हो तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है वेटेरियन। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड्स रिटन ऑन ए टॉम। तो किसी भी टॉम के ऊपर जो वर्ड्स लिखे होते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं एपिटैप। तो टॉम क्या होता है, टॉम होता है कि कोई भी एक बड़ा स्थल जिसको किसी महाराजे ने बनाया हो। बढ़ते हैं हम अगले की क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है स्टीथली डन। तो स्टीथली डन का क्या होगा, स्टीथली डन का होगा सुपरफिशियस। तो स्टीथली डन वो होता है जो कि बहुत ताकतवर तरीके से जिसको किया गया हो। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है समथिंग नो लॉन्गर इन ए यूज़। तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसे बहुत दिनों से यूज़ ना किया हो तो वो होती है ऑब्सोलेट। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है वन नॉट कंसर्न विद ए राइट और रॉन्ग। एक ऐसा पर्सन जो सही और गलत में फैसला ना कर पाए तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं इमोरल। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा ए पर्सन हु अपोजिस बार आर यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स। तो कोई भी पर्सन जो अपोज्ड हो किसी भी मिलिट्री फोर्स के या वार के, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं पैसिफिस्ट। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा सेवरली अब्यूजिव राइटिंग इन जर्नल्स। तो कोई भी जर्नल्स हो गया, जैसे कोई भी न्यूज़पेपर वगैरह होगा, उसमें अगर कोई भी अब्यूज राइट किया गया हो तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं स्क्यूरिलिस। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा कॉल अपॉन गॉड आर एनी अदर पावर फॉर हेल्प और प्रोटेक्शन। तो जब भी हम मुसीबत में होते हैं तो किसी गॉड को याद करते हैं, अपने गॉड को याद करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं इनवोकेशन। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा फियर ऑफ बीइंग इनक्लोज्ड इन ए स्मॉल स्पेस। ठीक है, तो छोटी जगह में जब डर लगता है तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं क्लस्टर फोबिया। दोस्तों जब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जब बहुत से एग्ज़ाम्स में आया है और मैक्सिमम जो जो वर्ड्स हैं ये लगभग तीन बार एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं, तो आप इसको ज़रूर पढ़िएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा वन हु हैज़ बिकम डिपेंडेंट ऑन समथिंग और ड्रग्स। कोई भी पर्सन जो कि एडिक्टेड हो चुका हो, जब किसी पर डिपेंड करता हो तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम एडिक्टेड ही कहते हैं। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा सक्सेशन ऑफ रूलर्स बिलोंगिंग टू वन फैमिली। किसी एक फैमिली के रूलर्स को सक्सेशन क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है डायनेस्टी। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टू कट समथिंग इन टू पीसीस। तो किसी भी चीज़ को पीसीस में ब्रेक करना वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है सीवर। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा फ्लैट मेटल और पोरिक्लिन प्लेट फिक्स्ड ऑन ए बॉल एज एन ऑर्नामेंट और मेमोरियल। तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है हमारा प्लेक, वो कहलाता है हमारा प्लेक। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा एक्ट ऑफ रिसीविंग समबॉडी इन ऑर्डर टू मेक मनी। तो किसी को चीट करना इन ऑर्डर टू मेक मनी, यानी कि पैसा कमाने के लिए, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है फ्रॉड। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा शॉर्ट पोइम और स्पीच एड्रेस टू द स्पेक्टेटर्स आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ ए ड्रामा। तो वो क्या होता है, वो होता है एपिलॉग। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया हुआ है एग्जाम्स में। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा केपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड इन आइदर ऑफ टू आर मोर पॉसिबल सेंसेस एंड देयरफॉर नॉट डेफिनेट। तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम एम्बिगियस। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा ए पर्सन हु इज़ अनेबल टू पे हिज डेब्ट्स। तो कोई भी पर्सन जो आपका अपना कर्ज ना चुका पाए, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम इनसॉल्वेंट।
उसे कहते हैं हम इनसॉल्वेंट। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा एनी थिंग विच इज़ नो लॉन्गर इन ए यूज़। तो ये आपको, आपने देखा होगा जो पहले भी आया वर्ड, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये वर्ड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे ज़रूर देख के जाएँ। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा ए पर्सन हु इज़ कमिंग टू ए फॉरेन लैंड टू सेटल देयर। तो कोई भी पर्सन जो फॉरेन से आया हो सेटल होने के लिए उसे बोलते हैं इमाइग्रेंट। बढ़ते हैं हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का समथिंग केपेबल ऑफ बींग डन। तो कोई भी किसी चीज़ को करने की योग्यता रखता हो उसे कहते हैं फीसेबल। तो दोस्तों ये थे आज की वीडियो में कुल 20 प्रीवियस ईयर के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। हम ये सीरीज कंटिन्यू रखेंगे और विद इसे ट्रिक्स के साथ देखेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।